नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल जैन, स्किन स्पेशलिस्ट, एमडी स्किन स्पेशलिस्ट, पर्ल स्किन हेयर एंड लेजर सेंटर में पिछले 14 सालों से ज़्यादा काम कर रही हूँ। अभी मैं आपको कुछ यूजफुल टिप्स देना चाहती हूँ आपके हेयर केयर के अकॉर्डिंग। आजकल देखने में आया है कि बाल झड़ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारे लोग बाल झड़ने से पीड़ित हैं। तो कुछ सिंपल टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और आपके बाल झड़ने में कमी आ सकती है। कुछ डे टू डे मिस्टेक्स रहती हैं जो हम करते हैं और हमें पता भी नहीं रहता, ऐसी ही कुछ बातों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ कोम्बिंग। हम यूजुअली बाल अपने जब गीले रहते हैं तब कोम्ब करते हैं। कोम करने से ऐसे गीले बालों में बालों का झड़ना काफ़ी बढ़ जाता है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ में जब आप कोम करते हैं तो कोशिश करिए कि जो ब्रॉड ब्रिसल वाली कोम रहती हैं वो आप यूज़ करें, तो आपका बाल झड़ना कम होगा। सेकेंड रहता है कि जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं, यूजुअली हमें 2 से 3 बार एक हफ्ते में शैम्पू करना चाहिए। थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए, बहुत हार्श शैम्पू, बहुत ही जिसमें केमिकल्स डले हुए हैं वो सारे अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे कॉम्बिनेशन के शैम्पूज आते हैं, कोशिश करिए कि आप पैराबिन फ्री शैम्पू लें अगर आपका सेंसिटिव स्कैल्प है। अगर आपका इची स्कैल्प है तो उसके अकॉर्डिंग हम शैम्पू ले सकते हैं। शैम्पू जितना माइल्ड रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं, जिम करते हैं या फिर योगा करते हैं या फिर वॉकिंग या कुछ और एक्टिविटी करते हैं जिसके आपको पसीना आता है, तो आप डेली भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ रहती है वो रहती है ब्यूटी पार्लर की चीज़ें। ब्यूटी पार्लर में अगर हम स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, कैराटिन ट्रीटमेंट, लैक्टिक ट्रीटमेंट या फिर जो भी सिस्टीन ट्रीटमेंट वगैरह अगर हम कराते हैं, तो उससे हमारा जो हेयर शाफ्ट रहता है वो डैमेज हो जाता है और उसके कारण, रूट डैमेज होने के कारण और वीकनिंग होने के कारण हमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखने में आता है। ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें नेचुरली अपने अच्छे जो बाल हैं उन्हें नेचुरली अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। जो नेक्स्ट फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है ऑयलिंग। यूजुअली ऑयलिंग अगर हम प्रॉपर तरीके से करें तो बहुत ही अच्छी रहती है हमारे स्कैल्प के लिए। उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो भी हम चीज़ें लगा रहे हैं उसका पेनिट्रेशन होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक ऑयल रखने से हमारे स्कैल्प में हमारा स्कैल्प चिपचिपा हो जाता है, जिसके कारण हमें दाने निकल सकते हैं और साथ में हमें पिंपल्स भी होने का चांस रहेगा। तो इसीलिए ऑयल अगर आप सिर्फ 2 घंटे लगाएंगे सिर धोने के पहले तो वो अच्छा रहेगा। ऑयल करते समय आप कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, कैस्टर ऑयल या फिर आलमंड ऑयल या आंवला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छे रहते हैं हमारे बालों के लिए। फिफ्थ आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही कॉमन है आजकल। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है, फीमेल्स हों, बच्चे हों या मेल्स हों, सभी में देखने के लिए मिलती है। इसीलिए प्रॉपर डाइट जिसमें ग्रीन लीफी फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, अच्छे से पानी हों, नट्स हो, नट्स में वॉलनट्स हो, आलमंड हो, हमारे फ्रूट्स हों जैसे पपाया है, बेरी है, हाँ हमारे कुछ कंदमूल आते हैं जैसे स्वीट पोटैटोज रहते हैं, ये सारे काफ़ी अच्छे रहते हैं हमारे बालों के लिए। उसके बाद फिर सेवेंथ आता है हमारा यूवी रेज। सन रेज जो रहती है वो भी काफ़ी डैमेजिंग रहती हैं, इसीलिए जब भी आप बाहर निकलें तो एक या तो फिर आप स्कार्फ ढकें, अम्ब्रेला यूज़ करें या फिर वाइड ब्रिम्ड हैट यूज़ करें, जिससे अच्छा रहता है। सन रेज के कारण हमारे बालों में पीलापन आता है, वीकनिंग होती है और साथ ही हमारे बालों का झड़ना भी हो जाता है। नेक्स्ट एट टिप आती है हमारे क्लोरीनेटेड वाटर। क्लोरीनेटेड वाटर बहुत कॉमन रहता है, कई बार स्विमिंग पूल्स में क्लोरीनेटेड वाटर रहता है। अगर हम किसी पार्क वगैरह, वाटर पार्क में या फिर कहीं बाहर घूमने के लिए गए तो हमें ये क्लोरीनेटेड वाटर का सामना करना पड़ता है। तो जब भी आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं या फिर बाहर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, वाटर पार्क वगैरह, तो एक स्विमिंग पूल में जाने से पहले कैप ज़रूर लगाइएगा, जिससे आपका ये जो है ये हमारे बाल बचे रहेंगे। अगर इसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं या फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप एक स्किन स्पेशलिस्ट से संपर्क करिए और अपने हेयर फॉल प्रॉब्लम्स को निदान करिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो और भी ऐसी जानकारी स्किन हेयर से रिलेटेड जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।